हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज की इस वीडियो में आप देखोगे वॉकरोन रिव्यू ऑफ ऑल न्यू वोक्स वेगन वर्टेस का सुबह चलते हैं बार और एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं ज दिस इज़ ऑल न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फोक्स वेगन वर्टस सो देखो यार कितनी बढ़िया लुक बनाई गई है इसकी सो so, देखते हैं अभी क्या क्या खास है इस गाड़ी में तो so, वो मैं आपके साथ सभी डिस्कस करूँगा एंड ये जो मॉडल है ये है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल सो इसका नाम भी टॉप लाइन है तो so, इसमें तीन वेरियंट आते हैं सबसे बेस आपको कंफर्ट लाइन मिल जाएगा देन हाई लाइन और उसी के बाद यहाँ पे आपको टॉप लाइन देखने को मिल जाता है सबसे पहले बात करेंगे इसकी कीज़ की तो कीज़ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है फ्लिप की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको बुक्स वेगन का लोगो देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरह से की दिख जाती है यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा इसको भी क्लोज़ करेंगे और एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे अभी तो फ्रंट की कुछ इस तरह से लुक देखने को मिल जाएगी इसमें फ्रंट पे यहाँ पे आपको कन का लोगो देखने को मिलेगा उसी के साथ यहाँ पे जो लाइंस जा रही हैं ये आपको क्रोम में देखने को मिलती है तो बहुत ही बढ़िया लुक आती है इसकी डीआरएल देखने को मिल जाएगा उसी के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह से पोजिशन आ जाती है इंडिकेटर की जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है स्पोर्टी फिनिश में बनाया प्यनो ब्लैक फिनिश के साथ आपको क्रोम की लाइन देखने को मिल जाती है इसमें यहाँ पे आपको फॉगलेम देखने को मिल जाएगा तो मैं बात कर रहा था क्रोम लाइन की तो क्रोम लाइन कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरी आपको बम्पर पे देखने को मिलेगी बिल्कुल एंड टू एंड आपको क्रोम लाइन देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और फ्रंट की लुक बहुत ही इनहेंस करती है तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे बोनेट में आपको विजिबल लाइन देखने को मिल जाती है अभी बात करेंगे इसकी इंजन प्रोफाइल की तो इंजन बे आपको दिखा देता हूँ मैं तो इंजन बे कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है और इसमें आपको मिलने वाला है वन लीटर टी पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ वन हंड्रेड एंड वन सेवेंटी एट एम टॉर्क तो पावर फिगर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इसमें और आप इंजन की फिटिंग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से की गई है ऊपर आपको इंसुलेशन वर्क देखने को नहीं मिलता है इसमें लेकिन इंजन जो है इंजन नॉइज़ काफ़ी कम आती है कैबिन में सो तो इंजन में की बात होगी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हो गई है बाड़ी की डिमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ इसमें आपको फोर पॉइंट की मिल जाती है विथ वन हाइट 1.50 मीटर्स की डील बेस आपको इसमें मिलने वाला है टू पॉइंट मीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस अनलेडन इसमें वन सेवेंटी नाइन एम की मिल जाती है और लेडन वन फोटी फाइव एम की कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है कट एंड कर्व्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं और स्टैंड आउट करते हैं गाड़ी की लुक्स को यहाँ पे आपको ओवर वी एम पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको ओवर वी एम देखने को मिल जाते हैं टायर साइज़ की बात करेंगे तो टू हंड्रेड फाइव फिफ्टी फाइव आर सिक्सटीन और अलॉय की शेप आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया मिल रही है साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आ जाती है यहाँ पे आपको डोर हैंडल कुछ पेंटेड प्लस क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा इस पे और इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है क्रोम वर्क सटल वे में किया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है गाड़ी में देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ यहाँ पे आपको फोक्सेकन का टेक्स्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है सो so यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूल टैंक ओपनर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको फोर्टी फाइव लीटर्स की मिलने वाली है रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर से कुछ इस तरह से लुक आती है गाड़ी की यहाँ पे आपको एल टेल लैंप देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया गया है और रियर में यहाँ पे आपको वोक्स का लोगो देखने को मिल जाता है यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाती है आपकी और सबसे सही चीज़ है इसमें वाइट लाइट का यूज़ किया गया हर जगह यहाँ पे आपको टी एस आई ब्रांडिंग मिल जाती है वर्टस बम्पर आपको इसमें स्पोर्टी बम्पर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे पार्किंग सेंसर के साथ साथ आप यहाँ पर आपको रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है कंपनी ने सो तो अभी बूट चेक कर लेते हैं इसकी तो बूट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी बूट स्पेस आपको इसमें 521 ट्वेंटी लीटर्स की देखने को मिलती है है नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील देखने को मिलता है और बाकी आपको टूल्स देखने को मिल जाएंगे वैसे एक्स की बात होगी अभी इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो रियर सीट पर भी जाते हैं और रियर की कुछ इस तरह से आपको सीट्स देखने को मिल जाएगी डोल टोन में आपको इसमें लेदरेट सीट्स मिलने वाली हैं की बात करेंगे तो हेडरेस्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है नहीं तो ऐसे ज़्यादातर गाड़ियों में हमको दो ही हेड्रेस देखने को मिलते हैं और कुछ इस तरह से आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है इसमें यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है मटेरियल जो कि काफी अच्छा लगता है और इसी में आपको प्रीमियम आपको स्पीकर्स मिलने वाले हैं एट स्पीकर सिस्टम देखने को मिलेगा म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी इसमें सो अभी एंटर करते हैं इसमें सो स्पेस की बात करेंगे तो अंडर थाई स्पोर्ट आपको ठीक ठीक देखने को मिलता है कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा ठीक ठीक आपको देखने को मिलेगा ये लेग रूम की बात करेंगे तो लेग रूम बहुत ही अच्छा मिल रहा है फ्रंट सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है मेरी हाइट है फाइव टेन तो उस हिसाब से रियर में आप देखो यार कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है सो so, हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है तो मेरे हिसाब से तो यार अच्छा हेडरूम मिल रहा है इसमें सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ नीचे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि टाइप सी मिल रहा है इसमें सेंटर में आपको आमरेस्ट देखने को मिल जाता है और दो कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे हेडरेस्ट आपको तीन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं जिनका फोकस काफ़ी अच्छा है बिल्कुल आपकी थाई पर आपका इसका फोकस आता है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है इसमें और यहाँ पे आपको कोट हुक भी देखने को मिलेगा इसकी बात करेंगे तो आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला है इसमें बिकॉज काफ़ी अच्छे इसमें यार विंडोज आपको देखने को मिलेंगे सबसे ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी डोर हैंडल बहुत ही अच्छे वे में डिज़ाइन किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और लग्जरी फील देता है आपको आपको मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाता है सनरूफ कुछ इस तरह से इसमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक सनरूफ जिसकी बात हम आगे जाके करेंगे सो so, रियर से कुछ इस तरह से थी गाड़ी और रियर से फ्रंट का लुक ऐसे आ जाता है कैबिन का तो अभी फ्रंट पे जाएंगे और फ्रंट की बात कर लेते हैं फ्रंट so, डोर कुछ इस तरह से ओपनिंग होती है यहाँ पे आपको बटनस कुछ इस तरह से मिलेंगे प्रीमियम आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं इसमें विंडोज़ के स्विच मिल जाएंगे ओ के एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको बोटल होल्डर देखने को मिल जाता है हैंडल कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाया है जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वालिटी में तो कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी कि किसी की भी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटीरियल देखने को मिल जाता है फ्रंट का कुछ इस तरह से आपको सीट्स मिल जाएंगी और फ्रंट का कैबिन कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको पे आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो सीट आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है ये सीट्स आप देखोगे तो एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये नॉब देखने को मिलेगा तो ये लाइट का नॉब है सो लाइट्स कंट्रोल आप इससे कर सकते हो और ये हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता आपको सो so, अभी इसको क्लोज कर लेते हैं क्लोज करते ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है देखने को जो कि यहाँ पे लाइट भी इसमें शो होती है बहुत ही अच्छा लगता है ये सो ड्राइवर साइड से आप देखोगे तो यार कुछ इस तरह से कैबिन देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लुक बनाई गई है कैबिन की आपको बिल्कुल प्रीमियम फील होने वाला है इसमें प्रीमियमनेस देखनी हो तो यार प्रीमियमनेस मेरे को वर्टस में बहुत ज्यादा लग रही है सो so, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कंसोल मिलेगा पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है उसी के साथ यहाँ पे आपको मैट फिनिश भी दी गई है तो मैट कलर ये काफ़ी अच्छा लगता है सो so, इसको ऑन करके देख लेते हैं अभी सो so, ऑन मैंने कर लिया है इसको यहाँ पे ये यह आप देख सकते हो फुल डिजिटल में आपको इसमें कंसोल देखने को मिल जाता है ये आपको 20 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाता है फिर मैं आपको टैकोमीटर शो कर देगा यहाँ पे आपको गेयर बता देगा कि किस गेयर में है गाड़ी यहाँ पे ये यह ऑटोमेटिक वेरियंट है तो यहाँ पे आपको पी शो कर रहा है पार्किंग पे अभी लेफ़्ट एंड राइट साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर का बता देगा राइट right साइड आपको फ्यूल गेज का शो कर देगा यहाँ पे क्लॉक आ जाती है टेम्परेचर और नीचे आपको टेलटेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं उसी के साथ यहाँ पे ओडोमीटर शो कर देता है और ये डिस्टेंस टू एम तो कुछ इस तरह से आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है तो लेदर लेदरेड स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा या स्टेरिंग तो एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको इसमें दोनों टाइप के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगा और उसी के साथ टिल्ट स्टेरिंग भी देखने को मिल जाता है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो माउंटेड कंट्रोल आपको यहाँ पे दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं मीडिया के आपको कंट्रोल राइट साइड देखने को मिलेंगे और लेफ्ट साइड आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाते हैं इन इंडिकेटर प्लस हेडलाइट के आप लेवल कर सकते हो हाई बीम लो बीम सेट कर सकते हो यहाँ पे और राइट साइड आपको इसमें वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गियर पैडल्स देखने को मिल जाते हैं प्लस माइनस तो काफ़ी अच्छी आपकी ड्राइव रहने वाली है इसमें सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर का सेंटर कंसोल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको इसमें सभी फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं सबसे सही चीज़ मेरे को इसमें ये लगी है कि टच रिस्पॉन्स बहुत ही प्यारा है इसका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हज़ार लाइट का स्विच दे दिया गया है और उसी के नीचे आपको यहाँ पे ए सी इवेंट देखने को मिल जाते हैं ए वेंट के नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको सबसे सही चीज़ आपको ये लगेगी टच सिस्टम है टच कंट्रोल मिल रहे हैं सभी यहाँ पे आपको जैसे मैं फ़ैन का फ्लो आपको अगर फास्ट करना है तो ये आपको स्वाइप करना है खाली तो so, ये स्वाइप करने वाले फ़ीचर मेरे को काफ़ी अच्छे लगे जो कि प्रीमियम बनाते हैं इस गाड़ी को ये नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो टाइप सी यहाँ पर भी दो पोर्ट देखने को मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग के पोर्ट मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलेगा बाकी गाड़ियों में ऊपर होता है तो इसमें यहाँ लगाया गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे आपको और बटन देखने को मिल जाते हैं सीट्स आपको फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी तो ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप और ये मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ये गियर लेवर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा हैंड ब्रेक आपको इसमें मैनुअल देखने को मिल जाती है एक्टिकली हैंड ब्रेक नहीं है इसमें ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा कुछ स्पेस मिल जाती है यहाँ पर और कुछ इस तरह से आपको सेंटर आमरेस देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है स्लाइडेबल है अपने हिसाब से आप स्लाइड कर सकते हो इसको और इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से इतनी स्पेस आपको इसमें यहाँ मिल जाएगी तो इसको क्लोज कर लेते हैं ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको कुछ इस तरह से स्पेस मिल जाती है कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा आपको क्या तो आप देखोगे तो यार प्रीमियमनेस दिखती है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बनाई गई है ऑटो डीमिंग के साथ आपको यहाँ पे आई आर वी एम देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप देखोगे तो टिकट होल्डर देखने को मिलेगा इस साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है लाइट का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें लाइट्स आपको सेंटर में ही मिल जाएगी रीडिंग लाइट्स हाँ पे आपको स्विच मिल जाएगा सन्रूफ का तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक आपको सनरोफ देखने को मिल जाता है टच ओपन के साथ आता है ये वन टच ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से ओपन होगा ये ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है एंड इसको अभी क्लोज़ कर लेंगे सो वन टच क्लोज के साथ आता है वन टच क्लोज़ हो चुका है अभी ये और वेंटिलेशन के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा आगे को तो ये वेंटिलेशन मोड आ जाता है इसका तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सो so, इसको क्लोज़ कर लेते हैं और ये आपको मैनुअली क्लोज़ करना पड़ेगा तो मैनुअली क्लोज़ कर लोगे तो यहाँ पर तब भी थोड़ी बहुत लाइट आती रहती है सो गैज़ एक्सटीरियर की बात होगी इंटीरियर की भी बात होगी यहाँ पे आपको मैं फीचर बताना भूल गया इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ जैसे सभी फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं एफएम भी आपको इसमें मिल जाएगा नेविगेशन का भी आपको बता देगा इसमें मैप वगैरह तो उसके लिए आपको नेट कनेक्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन मैप इसमें नहीं है और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है तो माइलेज की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है सबके लिए तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है ये माइलेज आपको देगा 18.12 किलोमीटर पर लीटर की और उसी के साथ मैनुअल की बात करेंगे तो मैनुअल में आपको मिल जाएगी इसमें माइलेज नाइनटीन किलोमीटर पर लीटर की तो मेरे हिसाब से यार बहुत ही बढ़िया माइलेज मिल रही है बींग पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन में आपको इतनी माइलेज मिल रही है तो बहुत ही अच्छी है वो और इसी के साथ इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि है 1.5 लीटर का उसमें भी आप देखोगे तो 18.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर